ये यहाँ पे एम्बुलेंस काफ़ी टाइम से खड़ी हुई है और यहाँ सफाई वफाई होती नहीं है, पूरा गंदगी पड़ा रहता है हमेशा। कितने साल हो गए ये सब गाड़ियाँ खड़ी? अरे काफ़ी साल से पड़ा हुआ है। नाम? हाँ अकरम नाम। ये जो गंदगी यहाँ फैली है, रोटरी क्लब है यहीं बगल में जी, और रास्ता है कोचिंग सेंटर चलते हैं जी, ये कब से क्या मतलब है? ये 5 साल से लगभग जो है ऐसा है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि ये नगर पालिका की जिम्मेदार हैं या विधायक हैं? नहीं तो नगर पालिका के अंडर में आता है, इसको सफाई जो है कराना चाहिए। अब कूड़ा यहीं पर ला के डाल जाते हैं। ये सब एम्बुलेंस खड़ी है तीन चार, क्या है कब से खड़ी है? ये भी जो है 5 साल हो रहे हैं लगभग जो है। 5 साल? हाँ यहीं पे पड़ी हुई। शासन को कोई सूचना? कोई सूचना नहीं दी गई है यहाँ से हमारे हिसाब से। तो लोगों को नुकसान दे खड़ी रहती है, आने जाने में दिक्कतें करती है। हाँ तो जैसे गाड़ियाँ ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर रास्ता जाम हो जाता है। तो नगर पालिका कभी गाड़ी से कूड़ा उठाने आते हैं? कूड़ा इधर बहुत कम, उधरी तो कूड़ा डाल देते हैं, आप खुद देख लीजिए वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस पर मतलब कोई एक्शन नहीं है? नहीं कोई एक्शन नहीं है, साफ सफाई इस मोहल्ले में बहुत कम है। विधायक आती हैं नगर पालिका से आते हैं कभी? इस मोहल्ले में तो विधायक नहीं हमको दिखाई पड़ी, जब से फिलहाल जब से विधायक बनी है इस मोहल्ले में नहीं आई, और मोहल्ले में गई होंगी। नगर पालिका द्वारा सफाई कर्मी आते हैं? कभी कदार आते हैं, बहुत कम। अगर जैसे कंप्लेन हमने किसी ने भी किया सभा सद ने, तभी सही नाला वाला सफा हो जाता है, बाकी झाड़ू वगैरह जो है बीच बीच में लगता है। ये सामने की सड़क है खुदी हुई, कब से बनी है? ये जब मन्नी चेयरमैन थे तभी बनी थी। हमारा नाम राम प्रसाद यादव एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष जिला कलेक्ट्रेट बारिश होशन रायबरेली। दादा यहाँ शौचालय नहीं है क्या कलेक्ट्रेट में? नहीं, कलेक्ट्रेट के परिसर में कोई शौचालय नहीं है। लोग ये एसपी ऑफिस के दीवार तरफ वो कहीं कहीं बाथरूम में ही लोग जाते हैं, एसपी ऑफिस की दीवार तरफ या और इधर उधर कहीं पीछे तरफ निकल जाते हैं जंगल तरफ। कब शौचालय बना कहाँ है कलेक्ट्रेट? शौचालय कलेक्ट्रेट का सरकारी नहीं बना हुआ है, हम लोगों के जो बार शोषण में है वो बना हुआ है, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं होती, हम लोग अपने पैसे से करा लेते हैं तो वकीलों के लिए जो है काम चल जाता है, लेकिन वो अधिकारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कभी जिलाधिकारी से इस बारे में बात हुई? इस बारे में कई बार इसके पहले भी मिले थे जिलाधिकारी महोदय से, हमारा संगठन जब था तो आश्वासन मिला, आश्वासन के बाद लेकिन उसका जो है क्रियान्वयन नहीं किया गया। तो क्या लग रहा है कि ये सरकार की जो योजना है शौचालय बनाने की और टॉयलेट की, तमाम टॉयलेट की योजनाएं चल रही गाँव में, अगर उसी तरीके से शौचालय सुलभ शौचालय यहाँ भी बन जाए तो वादकारियों को, खासकर जो महिलाएं वादकारी आती हैं, हाँ दादा क्या कहें, अगर यहाँ शौचालय सुलभ शौचालय बन जाए तो खासकर जो महिलाएं आती हैं वादकारी अथवा बाहरी लोग आते हैं तो उनके लिए सुविधा हो जाए। तो महिलाओं को तो बहुत परेशानी का सामना करना, बहुत परेशानी करना पड़ता है उनको, बाहर रोड पर जा करके पैसे दे करके अपना जो है, जबकि लाखों करोड़ों रुपया बजट में बजट में शासन का है, लेकिन अब ये कि शासन नहीं ध्यान दे रही सुकत इस ओर जो है, और ध्यान देना चाहिए इस तरफ।